कुछ दिन पहले दोस्तों ऑनर ने लॉन्च किया था चाइना में एक नया स्मार्टफोन 10,000 की रेंज में, जहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल रहा था, एक बड़ी बैटरी देखने को मिल रही थी, 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा था और इस फोन का नाम था दोस्तों ऑनर प्ले 3। और ये फोन कुछ दिन बाद हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूं ऑनर प्ले 3 के बारे में, जो कि अब तक का सबसे चीपेस्ट फोन है जहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड है पंच होल डिस्प्ले में तो ये आपकी एक चॉइस बन सकता है, अगर आप ज्यादा पैसे खर्च ना करना चाहें तो। मैं बात करूंगा आज आपसे सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या कुछ फीचर्स के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है, इसकी इंडिया में क्या प्राइस होने वाली है और कब तक ये फोन इंडिया में हमें देखने को मिल सकता है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो कहीं पे भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले डिजाइन और डिस्प्ले को लेके। तो यहां पे जो बैक पैनल है दोस्तों, ग्लॉसी बैक पैनल आपको देखने को मिल जाता है, पीछे ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है। ये जो फोन है 3 कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें रेड होने वाला है, ब्लैक होने वाला है और ब्लू होने वाला है। पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिला है। ऐसा मत सोचिए कि यहां पे आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहां पे जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा आपको, जैसे कि पावर बटन आपको साइड में देखने को मिलता है ना, कुछ उसी तरह। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिस्प्ले की, तो यहां पे 6.39 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है, जहां पे आपको HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और ये आता है एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में। जी हां दोस्तों, पंच होल डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इस फोन के परफॉर्मेंस को लेके, तो यहां पे दोस्तों आपको मिल जाता है क्रीन 710 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और जो यहां पे GPU है दोस्तों वो है माली G51 MP4 GPU। साथ में दोस्तों आपको GPU टर्बो 3.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर देगा। इस फोन में दोस्तों आप काफी हेवी गेम्स खेल सकते हैं बड़े ही आराम से। अगर मैं बात करूं रैम और स्टोरेज की, तो यहां पे 3 रैम और स्टोरेज आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 4GB रैम 128GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए अलग से स्लॉट भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से दोस्तों आप 512GB तक अपने मेमोरी को बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। अगर कैमरास के ऊपर बात की जाए, तो यहां पे 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, f2.0 का अपर्चर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जहां पे आपको f2.2 का अपर्चर मिलता है और साथ में दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है, यहां पे भी आपको f2.2 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूं आपसे फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है f2.0 अपर्चर के साथ में। तो कैमरास दोस्तों डिसेंट है, प्राइस के हिसाब से आपको अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जा रहा है। यहां पे दोस्तों आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं, ऑटो फोकस का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको कैमरास में मिलती है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें बैटरी लाइफ को लेकर, तो यहां पे 4000mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पे कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये आता है दोस्तों एक 10W के नॉर्मल चार्जिंग स्पीड के साथ में और 10W का चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और एक बात और बता दें, ये जो फोन है माइक्रो USB पोर्ट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। आगे अगर और चीजों की बात करें दोस्तों, तो ये जो फोन है Android 9 Pie के ऊपर आता है और यहां पे Magic UI 2.1.1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें, तो यहां पे आपको डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5, उसके बाद जो है सभी बेसिक सेंसर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका जायरोस्कोप हो गया, उसके बाद जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, उसके बाद एम्बिएंट लाइट हो गया, ये सभी सेंसर्स जो है आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। फोन के वेट के बारे में दोस्तों बात करें, तो 176 ग्राम का है ये फोन। तो ओवरऑल दोस्तों यही चीजें आपको इस फोन में देखने को मिलती है, जहां पे एक अच्छा डिजाइन है, साथ में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल एक डिसेंट डिवाइस लग रहा है। लेकिन अगर हम प्राइसिंग को लेकर बात करें, तो प्राइसिंग भी दोस्तों इस फोन की काफी कम रखी गई है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 999 yuan, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 10,000 के आसपास का होता है। उसके बाद 6GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए 1299 yuan रखी गई है, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 13,000 होता है। और 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 1299 yuan रखी गई है, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 13,000 के आसपास का होता है। तो यही कुछ प्राइसिंग के साथ आपको ये फोन देखने को मिलेगा। फोन दोस्तों काफी अच्छा है, लेकिन बस एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, अगर ये फोन HD प्लस डिस्प्ले की जगह फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता ना, तो बहुत सारे लोग इस फोन को जरूर से पसंद
करते। बाकी दोस्तों आपको फोन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप इस फोन का वेट करेंगे? अगर मैं लॉन्च डेट को लेकर बात करूं दोस्तों, तो आने वाले 1 से 2 महीने में अक्टूबर तक आपको यह फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो यह था दोस्तों हमारा छोटा सा वीडियो ऑनर प्ले 3 को लेकर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।